बिहार के एक बेहद मशहूर नेता अजीत सरकार, उनके एक अन्य साथी असफुल्ला खान और उनके ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। घटना वर्ष 1998 की है। घटना में तीनों के तीनों मारे गए। आरोप लगे बिहार के तीन नेताओं पर, जिनमें से एक थे बाहुबली सांसद राजेश रंजन। लोग इन्हें पप्पू यादव के नाम से भी जानते हैं। 5 बार तक बिहार से सांसद रहे पप्पू यादव की सियासी सफर से पहले शुरुआत हुई थी उनके आपराधिक जीवन की। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग जैसे 31 मामले उन पर दर्ज थे। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। जमींदार परिवार में पैदा हुए राजेश रंजन पप्पू नाम मिल गया था। उनके दादाजी ने उन्हें पप्पू बोलना शुरू किया और यही नाम राजनीति में भी उनकी पहचान बन गई। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई वहीं आनंद मार्ग स्कूल से की। मधेपुरा यूनिवर्सिटी के बीएन मंडल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली की इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वापस बिहार का रुख किया और इस बार राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया। 80 के दशक में लालू प्रसाद यादव जब राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे हुए थे, उस वक्त लालू यादव का साथ दिया कॉलेज से निकले दबंग पप्पू यादव ने। पूर्णिया के पप्पू यादव के नाम का खासा खौफ था और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक करियर में पप्पू यादव की दबंगई ने खासी मदद की। कॉलेज के समय ही पप्पू यादव की पहचान बाहुबली के रूप में होने लगी। 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की और नेता बन गए। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का कद और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई उनकी दबंगई। 1990 के दौर में एक और नेता आनंद मोहन राजू जी नए थे। इनकी कहानी मैंने इसी चैनल पर सुना रखी है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच अक्सर बच्चे को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मार धाड़ खून खराब उनके जैसे राजनीतिक जीवन का हिस्सा था। कहते हैं उस वक्त पप्पू यादव को इलाके का सबसे बड़ा डॉन माना जाता था। बड़े दबंग भी उनके सामने पानी भरते थे। लालू यादव के राजनीतिक जीवन में उन्होंने खासी मदद की थी, बूथ कैप्चरिंग हो या फिर वोटों की पेटियों को हिंचवा लेना, यह सब आरोप उन पर लगते रहते थे। पप्पू यादव ने बहुत कम ही वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना रुतबा कायम कर लिया था। कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल के इलाकों में काफी फेमस हो चुके थे। 1991 में वो पहली बार पूर्णिया से सांसद बने। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और संसद तक का सफर पूरा किया। इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन जैसे तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1996 और 1999 में भी वो पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बनते रहे। लेकिन 1999 में उनका नाम विधायक अजीत सिंह की हत्या के मामले में आने के बाद उनके राजनीतिक जीवन में कुछ समय के लिए विराम लग गया। CBI की विशेष अदालत ने उन्हें आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव पर CBI की विशेष अदालत में केस चलता रहा। वो लंबे समय तक जेल में रहे। इसी बीच 2004 में पप्पू यादव को लालू यादव का साथ मिला। उन्होंने मधेपुरा सीट से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार वो 4वीं बार सांसद बने थे। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। CBI की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कई सालों तक वो जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की, जहां से 2013 में उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव काफी बदले बदले नजर आए। वो अपनी बाहुबली छवि को बदलने की कोशिश में जुड़ गए। गरीबों की मदद करना, अपने इलाकों के लिए सामाजिक काम करना, यह सब उनके लिस्ट में शामिल हो गया। जब वे जेल में रहे उस वक्त उन्होंने ध्रुवकाल का प्रतीक के नाम से अपनी एक किताब भी लिखी। इस किताब को वो अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं। इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और पर्सनल लाइफ दोनों का जिक्र किया हुआ है। इस किताब में वो खुद की बाहुबली छवि को भी गलत बताते हैं। खैर, 2014 में एक बार फिर पप्पू यादव ने RJD के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ा और वो जेल से आने के बाद भी जीत गए। वह अपने संसदीय क्षेत्र में खूब मेहनत से काम कर रहे थे। लोगों के बीच एक नया रूप उनके सामने था, गरीबों के मसीहा वाला रूप। वो लोग से सीधा जुड़ते, उनकी हर तरह से मदद करते। 2015 में उन्हें सर्वोत्तम सांसद भी घोषित किया गया था। हालांकि 2015 में RJD ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से हटा दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने जन अधिकारी पार्टी के नाम से अपना एक अलग दल बनाया। 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें जीत नहीं मिली। पप्पू यादव कोविड के बाद काफी मशहूर हुए थे। अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए खुलकर सामने आए थे। उन्होंने लोगों को खाना, दवाई और जरूरी सामान बांटे थे। कोविड के दूसरे फेज के वक्त उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद उन्हें 32 साल पुराने एक किडनैपिंग के मामले में भी जेल में डाल दिया गया था। पप्पू यादव को कुछ लोग बाहुबली के रूप में पहचानते हैं तो कुछ लोग के लिए वो रॉबिन हुड भी हैं। खासकर पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी छवि को काफी सुधार लिया। पप्पू यादव की लव लाइफ भी बेहद फिल्मी रही है। दिल्ली में पढ़ाई के वक्त उन्हें रंजीत रमन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। रंजीत उनके एक दोस्त की बहन थी। हालांकि शुरू से रंजीत उन्हें पसंद नहीं करती थी। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली रंजीत टेनिस खेला करती थी। पप्पू यादव अक्सर उससे मिलने के लिए टेनिस क्लब पहुंच जाते थे और यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहते हैं जब रंजीत ने पप्पू यादव से शादी से इनकार कर दिया तो पप्पू यादव ने नींद की गोलियां खा ली। बाद में रंजीत शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके परिवार वाले बड़ी मुश्किल से ही शादी के लिए तैयार हुए थे। रंजीत यादव भी सांसद रह चुकी हैं। रंजीत और पप्पू यादव के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।